और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेडिंग का फंक्शन उसे मीट ही कहते हैं, तो उसके लिए सबको कॉल्स कर रहे हैं, तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, किस किस यार को ये कौल? वो भाई का नंबर तो बंद आ रहा है। किस किस को कॉल कर रहे हैं? हफ्ता है आज, हफ्ता है 9:58 इस टाइम पे तुम्हारा छप्पन करीटे की तैयारी हो रही होगी यार गोट। वो अभी वहाँ पे तुम्हारे साइन हो रहे हैं ऑफिशियली। ये सारी ये देखिए गाड़ियाँ वाड़ियाँ इकट्ठी हुई भी हैं, और ये जो है ये घर है फंक्शन वाला, तो इधर अभी हम जाएंगे थोड़ी देर। ये आप क्या देख रहे हो यार? हाय हाय हाय, गंदे 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 यार। ये भी एक गोट है यार, ये भी एक दूल्हा है, इसकी भी शादी होगी, हर शादी के इसकी। तो यार अभी ना हसन भाई जो हैं, तो मेरी फंक्शन है वेडिंग का फंक्शन, उसे मीट ही कहते हैं, तो उसके लिए सबको कॉल्स कर रहे हैं, तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, किस किस यार को ये कौल? वो भाई का नंबर तो बंद आ रहा है। किस किस को कॉल कर रहे हैं? मतलब सबको बुला रही है वो, ये कज़न आपके सारे जितने भी हैं, मामे चाचे नाने, नाने तो नहीं है, नाने है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी वो मौजम भाई है, उनका नंबर बंद आ रहा है, कहीं लगे हुए होंगे दूसरी साइड पे, वो अभी उनका मसला है ना थोड़ा सा। सही है, कल है मेहंदी आपकी? कल है सर, संडे। ओहो, उसके बाद मूसा सिंह भी है यहाँ पे। यार इसका तो नंबर नहीं लग रहा। ओके ओके, ट्राई करते रहे। तो यार ये जो है ना हफ्ता है आज, हफ्ता है 9:58 इस टाइम पे तुम्हारा छप्पन करीटे की तैयारी हो रही होगी यार गोट। वो अभी वहां पे तुम्हारे साइन हो रहे ऑफिशियली, ये बंदा इस बंदी से अब 11-12 एक बजे तक हम आ जाएंगे यार। हाँ, एक बजे से आधा घंटा पहले गोली खानी है, उससे जल्दी नहीं खानी, वरना फिर उधर ही तुम्हारा वो इधर से तुरा उठा हुआ होगा, उधर से तुरा उठा हुआ होगा। तमीज सीखना, कुछ टाइम से पूछ के करना सारा कुछ। मैं तुम्हारा संभाला हूँ तो थोड़ा तमीज है, ये तो मेढी पे तुम्हारा कोई फोन नहीं उठाता यार। अपने शक्ल तो दिखाओ, जब उस दिन फिर दिखाएंगे इधर सारा काम में बैठे बुला। ओ, 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 खिलती बात खिलती। यार ये कैसी एडवाइजेस दे रहे हैं मुझे, यार एडवाइजेस की क्या एडवाइजेस जरूरी है? तुम तो हो शादी के बाद, तुम्हें भी ये तो पता नहीं कि भाई होता क्या है, कैसे होती है शादी। शादी में रस्में होती हैं, तुम गलत साइड पे गए हो, नहीं गए तुम गए हो। रस्में होती हैं, पहले जागा होता है, फिर बारात होती है, वलीमा होता है, सिर टिकाऊ होता है, वो मतलब लामा होती है। बात तो सही है मतलब सर से सर लामा ते गलत रस्में है, गलत नहीं है, ये मजा आता है, तुम्हें क्या पता। इनका तो नंबर नहीं मिलता यार, कोशिश करते चल के बुला लेते हैं। आओ। ओके ओके यार, यहाँ पर ओरहान और मैं और उसका मामू, ये मेरा भांजा, हम एक साथ आए हुए हैं, और देखें रात का टाइम है। हाँ ये ऐसे, ओ ऐसे बोलता है बा अब्बा 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 हाँ अब्बा ये नहीं 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 दे। Day two. ये पंजीरी है भाई दूल्हे की, ये देखें, ये अभी तो अजीब लग रही है, थोड़ी देर तक ये मासी है हमारी, ये पंजीरी बनाएगी अभी पूरी, ये पूरा ये थैला बनेगा, सब इलाके में बांटा जाता है, दुल्हन को दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, हमें समझ नहीं आती यार। बनने के बाद कुछ इस तरह का लगता है, देखिए उस साइड पे बना हुआ घी घी है, ये देखें, और अभी ये कुछ बन रहा है। ये मासी है हमारी, मतलब जब भी होता है ना तो इलाके से बंदे बुलाते हैं, मतलब हमसाए वगैरह, वो आके बना देते हैं, ये देखें। खाता कोई नहीं है, कोई नहीं खाता, वाकई में कोई नहीं खाता।
लेकिन बनाना एक रीत है, रिवाज है यार। वो जो मेहंदी 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 हम कर रहे थे, आखिरकार मेहंदी पे आ चुके हैं। वो अभी उधर मैं आपको चल के दिखाऊंगा, सेम डे वैसे सेम लग रहा होगा आपको, ऐसा सीन हो चुका है। सिर्फ उरान से ही एक्स्ट्रा है हमारे साथ। हेलो, उस दिन नहीं थे उरान भाई और समीर भाई तो होते हैं आपको पता है। तो अभी यहाँ से मिठाई लेते हैं फिर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, आ जाए फिर। 12 seconds later यार ये देखें, ये सारी ये देखें, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ इकट्ठी हुई हुई हैं। और ये जो है ये घर है फंक्शन वाला, तो इधर अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में, फिर आपको दिखाएंगे झूमर ताड़ी सब कुछ होगी। तो ये देखें, ये देखें, ये बच्चे हैं सारे, ये बच्चे, ये बच्चे, ये बच्चे, ये खैर मोहम्मद, ये हमारे कराची के लौंडे हैं, ये कराची के लड़के हैं, ये खैर मोहम्मद है, ये सात और बच्चे हैं, और ये शादी वाला घर है। और अभी वहाँ पे साहबान बैठे हैं, साहबान मतलब हाँ जो जेंट्स हैं ना वो उस साइड में होते हैं, जो मेल्स वगैरह जो हैं, तो क्योंकि पर्देदारी है ना, पर्दे की वजह से एक साथ नहीं बैठ सकते, एक तो रास्ते में अंधेरा भी बहुत है। और मैं आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ यार। A few moments later. वैसे भाई आप नहीं बोल रहे हैं क्रिकेट का पता नहीं, आप क्या देख रहे हो यार? यार ये भी एक गोट है यार, ये भी एक दूल्हा है, इसकी भी शादी होगी, हर शादी के तो इसकी जब डेट रखते हैं कोई ना कोई फौत हो जाता है। एक कभी फौत किया अगर अल्लाह करे वो ना हो, अगर वो हुई तो सारे सबकी शादी रुक जाएगी। कैसे कभी भाई वो अल्लाह का नाम यार नहीं थी यार, नहीं थी फौत की शादी जब आती है तो एक घर में नहीं हर घर में काम निकल आते हैं। अब छोटे मोटे काम थे, कुछ गेट खराब था तो उसका वो नीचे का हुक था वो बनवाना था, कुछ बैक गेट उसका कुछ सेटिंग करानी थी, कोई वेल्डिंग का काम था, तो हमने सोचा कि यार वो करा लेते हैं। लेकिन अभी इस भाई की मशीन ही नहीं चल रही, ये तारें बना के उनकी सेटिंग कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा हो रही। अच्छा बाहर अब ये है कि फिर से अभी वो शादी है उसकी वजह से बुलाना पड़ेगा मालिक, वो आएगा कटिंग करेगा। और लेकिन आज पहले ये काम है, मशीन अगर चल गई तो होप सो हो जाएगा। बार बार तारें उखेड़ता है कनेक्ट करते हैं और अभी कह रहे हैं कि चल जाएगी, देखते हैं। तार लगा तो रहा है, अब कबूतर अपने खुले हुए, आए कबूतर, आए कबूतर, आए कबूतर। ये देखें, इससे मुझे नहीं लगता आज होगा काम, नहीं ये तो अभी एक चीज़ नहीं बन रही, बाकी तो फिर बाद का काम है जो अल्लाह तो। A few inches later. चलो यार फाइनली मशीन चल चुकी थी और वो गेट तो बन गया। अभी ये दूसरा बैक साइड वाला है, इसमें असल में इसको हम बंद रखना चाहते हैं तो, लेकिन एक गेट हम चाहते हैं बंद हो क्योंकि पर्दे की वजह से इश्यूज होते हैं। और ये मूसा भाई, हेलो मूसा भाई, ये ड्रेसिंग कहाँ से लिया आपने? ये कपड़े कहाँ से सिलवाए हैं? ये बस क्या बताऊँ, टेलर से। वहाँ मोटे होते जा रहे हो यार, बॉडी तो दिखाओ अपनी जी, बॉडी तो दिखाओ। नहीं डर जाओगे, डर जाओगे। शर्माती हो? यार ये खुद मुंडो है ढिलाई का काम नहीं है, पहले आधा मशीन खराब है यार। मतलब मेरे कहने का ये कि ये खुद है ही ढीला, पहले कह रहा था मशीन खराब है, मशीन खराब है, अभी मशीन बनी तो सुर 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 सुर, इसको तरीका ही नहीं आ रहा। चले अभी चल तो रहा है, देखते हैं हो जाएगा कोई ना कोई काम, कहीं ना कहीं पहुंच तो जाएगा। ये देखें अभी ये चिटखनी लगा रहा है, ग्लासेस तो ऐसे लगाई है इस बंदे ने जैसे अभी शाहरुख खान एक्टिंग करने वाला। ये देखें आह, ऐनक भी वो कोई 85 के दौर की है।